गुड इवनिंग एवरी वन स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर अकेडमी। आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं 9 से 10 क्वेश्चन, जिनके बारे में बात करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन रहेंगे PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। और बच्चों, जो हम ये 9 से 10 क्वेश्चन करेंगे, ये 9 से 10 क्वेश्चन आप अच्छे से समझो, इन क्वेश्चनों से ही आगे आपके 50 से 60 क्वेश्चन निकल जाएंगे। एक्चुअल में बच्चों, इन पे हम विस्तार से बात करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके किस टाइप के बने हैं और आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनका फॉर्मेट क्या रहने वाला है। बच्चों, आप रेगुलर हमारे YouTube चैनल पे, वॉरियर एकेडमी के YouTube चैनल पे जुड़ सकते हो और रेगुलर शाम को रोजाना 8 बजे आपको 9 to 10 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यानी कि जो क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं और जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, वो क्वेश्चन आपको रेगुलर हम करवाएंगे। और बच्चों, मेरा मानना यह है कि अगर आप PYQ करते हो और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और इन क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा समझने की और इनका फॉर्मेट सही से समझ पाते हो, तो आप जो GAT का एग्ज़ाम होगा, GAT का एग्ज़ाम, जिसको हम जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं, उसमें बच्चों जो 400 मार्क्स का GS रहेगा आपका, GS या GK, जनरल नॉलेज बोलते हो, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर वगैरह का जो पैटर्न रहता है, उसमें बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आओगे, और ये मेरी गारंटी है। बट आपको इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि रेगुलर आपको ये PYQ के क्वेश्चन मिलते रहें। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, आज से जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। बच्चों, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इज आर करेक्ट। देखो बच्चों, परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है और हमने बात की थी परमानेंट सेटलमेंट है क्या। जब हमने लास्ट टाइम पढ़ा, अंग्रेजों की पॉलिसीज पढ़ी, तो हमने बताया कि अंग्रेजों की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी कितने टाइप की थी। तो अंग्रेजों की बच्चों भारत में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी 3 टाइप की थी। पहली पॉलिसी की बात करें तो पहली पॉलिसी उनकी परमानेंट सेटलमेंट थी। और परमानेंट सेटलमेंट की बात करें बच्चों, तो ये परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले कहां पे लागू हुआ था, तो हमने बताया था ये बंगाल में आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था। और भारत के कितने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, यानी कि कितने ज्योग्राफिकल एरिया में परमानेंट सेटलमेंट लागू था, तो 19% एरिया में परमानेंट सेटलमेंट लागू था। इसके बाद बच्चों, दूसरी उनकी सेकंड जो पॉलिसी आई, उसको हम बोलते हैं रेयतवाड़ी सिस्टम। रेयतवाड़ी सिस्टम कहां पे आया बच्चों, मद्रास और बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया, और वो भारत के करीब करीब 51% एरिया पे लागू था। अब बच्चों, तीसरा सिस्टम अंग्रेजों का कौन सा आया, तो उसको हम बोलते हैं महानवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम, जो कि करीब करीब 30% लैंड पे लागू था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्हीं तीनों सिस्टम में से एक सिस्टम, जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं या जमींदारी सिस्टम बोलते हैं या स्थायी बंदोबस्त बोलते हैं, यानी कि तीनों नेम इसी के है, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी सिस्टम और परमानेंट सेटलमेंट। तो बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया, तो अगली बार हो सकता है रेयतवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या महालवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। बच्चों देखो, इन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 इज आर करेक्ट, कि कौन सी चीज करेक्ट है इसमें। अब बात करते हैं, द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन द पीजेंट, यानी कि इसने कहा कि जो ओनरशिप दी गई वो किसे दे दी गई, पीजेंट जो खेतीबाड़ी करने वाले किसान थे उनको दे दी गई। नहीं बच्चों, ये आपका क्या रहेगा, पूरी तरह गलत। ए ऑप्शन आपका पूरी तरह गलत रहेगा, क्योंकि यहां पे भूमि का, लैंड का मालिक किसे बनाया गया था बच्चों, जमींदारों को बनाया गया था। और जमींदारों को बनाया गया तो इसका मतलब सीधा सा है कि किसान जो पीजेंट थे उन्हें ओनरशिप नहीं मिली। दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, द परमानेंट सेटलमेंट वेस्टेड लैंड ओनरशिप राइट इन द जमींदार। बच्चों बिल्कुल राइट ऑप्शन, यानी कि जमींदार को क्या कर दिया गया था, जमीन का, परमानेंट जमीन का मालिक बना दिया गया था, ओनरशिप जमींदार को दे दी गई। अब बच्चों हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन पे, और थर्ड ऑप्शन पे जब हम चलते हैं बच्चों, तो देखते हैं कि द जमींदार्स हैड टू पे ए फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट बाय ए पर्टिकुलर डेट।
बच्चों मैंने बताया था इसी के अकॉर्डिंग, जमींदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग एक कानून आया था जिसको हम बोलते थे सनसेट लॉ, सूर्यास्त कानून। और सूर्यास्त कानून क्या था बच्चों? एक दिन फिक्स कर दिया गया कि इस दिन का सूर्य ढलने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, अपना रेंट यानी कि जमीन के ऊपर जितना टैक्स लगा है वो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो बच्चों सी ऑप्शन भी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। जमींदार हैड टू पे फिक्स अमाउंट ऑफ रेंट बाय पर्टिकुलर डेट, यानी कि एक डेट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अब बच्चों फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, द जमींदारास बेनिफिटेड हार्डली फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट वाइल द पीजेंट सफरेड। बच्चों ये बिल्कुल आपका क्या रहेगा, बिल्कुल अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल आपका गलत आंसर रहेगा क्योंकि ये नहीं है और डी ऑप्शन बच्चों नहीं रहेगा। अब देखो अब हमारे पास आ जाता है कि इनमें सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो कोड देखना पड़ेगा बच्चों, कोड इसमें किस किस का दिया गया है। भाई ए का कोड क्या दिया गया, ओनली एक। बी का कोड क्या दिया गया, दो और तीन। तो हमारे पास क्या रहेगा, दो और तीन, बी और सी राइट है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा, बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखो बच्चों ये आ गया हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन, तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटी भी मिक्सअप हो गया यहां पे। तो पॉलिटी का क्वेश्चन हम देखते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन वाज इन इन ऑथेंटिकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ड्यूरिंग द। देखो बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की बात यहां पे चल रही है और ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की बात करोगे बच्चों, ये क्वेश्चन है कब का, तो बच्चों ये क्वेश्चन है 1973 का। एक्चुअल में 1973 में एक फैसला आया था केशवानंद भारती केस को लेके, और केशवानंद भारती केस में बच्चों 7-6 की बेंच बैठी थी, यानी कि 13 जजों की बेंच थी जिसमें 7 जजेज एक साइड थे और 6 जजेज एक साइड थे। 7 जजेज ने बच्चों ये फैसला दिया कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव तो कर सकती है लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर सकती। और जब 7 जजेस की बेंच ने ये फैसला दिया तो बच्चों उन्होंने ये भी बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा। अब भाई क्वेश्चन आया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हमारी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, तो बच्चों इसका आंसर मिला नो, कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, सुप्रीम कोर्ट बताएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली कि आप जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो जो चाहे वो बदलाव कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर वो संविधान की आत्मा के खिलाफ हुआ तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी, गलत निर्धारित कर देगी। बच्चों ये अब देखो कौन सा केस है, अगर 1973 के केस की बात की जा रही है तो क्या बच्चों ये गोलकनाथ केस था, नहीं बच्चों ये गलत आंसर है। इसके बाद मेनका गांधी केस था, तो ये भी बच्चों गलत आंसर रहेगा। इसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड पे आते केशवानंद भारती केस, दिस इज द राइट आंसर बच्चों। केशवानंद भारती केस में ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन का। और फोर्थ ऑप्शन है इसका है एस आर बॉम्बई केस, ये भी बच्चों गलत आंसर, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसमें हमारा पूरी तरह बच्चों सी ऑप्शन रहता है, यानी कि गोलकनाथ केस का, केशवानंद भारती केस का आंसर हमारा राइट आंसर होता है। अब बच्चों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बच्चों मैं थोड़ी सी कॉफी पी लूं उसके बाद स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिल स्टेशन ऑफ द कॉलोनियल इंडिया इज आर करेक्ट। भाई हिल स्टेशन का मतलब क्या था, हिल स्टेशन का मतलब था अंग्रेजों की एक और कैपिटल होती थी जिसको हम बोलते थे शिमला, अंग्रेजों ने शिमला को कैपिटल बनाया। बच्चों इसकी बात की जाए तो सिंपल सा है कि यूरोप में क्या होता है, यूरोप में बच्चों ठंड ज्यादा पड़ती है यानी कि सर्दी का मौसम ज्यादा होता है, और अंग्रेज जब यहां पे आए तो भारत में भाई गर्मी, यानी कि भारत में तो हर टाइप का टेम्परेचर मिलेगा। आप हिमालय में जाओगे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर में जाओगे तो आपको सर्दी मिलेगी, अब आप बीच मध्य भारत में आ जाओगे तो आपको गर्मी मिलेगी, और राजस्थान में चले जाओगे तो भाई वहां पे तो लू चलती है यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी।
तो बच्चों अंग्रेज जब दिल्ली में आए और कलकत्ता के पास, मतलब उन्होंने पहले कैपिटल कलकत्ता को बनाया, उसके बाद दिल्ली को कैपिटल ट्रांसफर किया 1911 में, तो यहाँ पे गर्मी बहुत थी, इसलिए बच्चों अंग्रेजों ने एक हिल स्टेशन का आर्किटेक्चर तैयार किया, मतलब उसका नक्शा तैयार किया और शिमला को बच्चों उन्होंने बनाया। अब बच्चों इसी के बारे में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन है एनडीए 2015 सेकंड का, यानी कि सितंबर का क्वेश्चन है। बच्चों इसकी बात करते हैं, द आर्किटेक्चर ऑफ हिल स्टेशन सो टू रिक्रिएट द यूरोपियन स्टाइल, कि भाई शिमला को किस स्टाइल में क्रिएट किया जा रहा है, यूरोपियन स्टाइल में क्रिएट किया जा रहा है। तो बच्चों ये बिल्कुल राइट आंसर है, यूरोपियन स्टाइल में इसको शिमला को क्रिएट किया गया, तो ये बिल्कुल सही है आपका। अब बच्चों हम दूसरे ऑप्शन की ओर चलते हैं, दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया, हिल स्टेशन वर डेवलप्ड एज सैनिटेरियम वर शोल्डर्स वर ट्रीटेड फॉर इलनेस। भाई इलनेस, इलनेस का मतलब क्या है, इलनेस का सीधा सा मतलब कि जब आप बीमार हो जाते हो या आपका शरीर कम काम करता है या फिर आप थक जाते हो, तो यानी कि जो शरीर आपका 100% काम करना चाहिए वो 100% काम नहीं करता, इसी को बच्चों सिंपल लैंग्वेज में इलनेस बोलते हैं, यानी कि बीमार हो जाना। तो बच्चों ये भी क्या रहेगा, सैनिटेरियम वर शोल्डर वर ट्रीटेड फॉर इलनेस, यानी कि जब वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे तो घूमने फिरने के लिए, थोड़ा भाई शिमला में आप भी जाते हो घूमने फिरने, हिल स्टेशन मिल जाता है, 4-5 दिन एंजॉय कराते हो, तो बच्चों इसका दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास क्या रहेगा, राइट रहेगा। अब बच्चों बात आती है इसके तीसरे ऑप्शन की, शिमला बिकम द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। अब बच्चों इसकी बात करें तो इन्होंने बोला कि इंडियन आर्मी का उस समय चीफ कमांडर, यानी कि उसका रेजिडेंस कहां पे होता था चीफ कमांडर का, तो बच्चों ये आंसर भी आपका राइट रहेगा क्योंकि उसका भी शिमला में होता था। इन 1864 शिमला हैड टू बी इन्वेगेटेड बिकॉज ऑफ द टाइफाइड एपिडेमिक। अब भाई इसने पूछा कि वहां पे एपिडेमिक मतलब बीमारी फैल गई थी, तो बच्चों ये गलत रहेगा क्योंकि वहां पे 1864 में ऐसी कोई बीमारी नहीं फैली थी, तो हमारा आंसर राइट क्या रहेगा। अब बच्चों आंसर की बात करें तो यहां पे देखो ऑप्शन दिया गया है, ए सिर्फ एक ओनली, बी 1, 2, 3, तो हमारा आंसर क्या था, 1, 2, 3 हमारा आंसर राइट रहेगा, यानी कि हमारे पास दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 3 आंसर आपका राइट रहेगा, ए सी और डी आपका गलत आंसर रहेगा। बच्चों चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, द सीनियर ट्रेडिशन इज। अब देखो भाई इन्होंने बोला कि ये ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब होता है बच्चों आर्ट एंड कल्चर की बात की जा रही थी, और ये क्वेश्चन है आपका मुगल अंपायर से रिलेटेड। अब मुगल अंपायर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसने पूछा, सेनिया म्यूजिकल ट्रेडिशन दैट एमर्जेड फ्रॉम द कॉलोनियल आर्मी, कॉलोनियल आर्मी यानी कि सेना होती थी, उसने क्या ये ट्रेडिशन चलाया था, तो बच्चों ये आंसर आपका गलत रहेगा, ए गलत रहेगा, यानी कि ए ऐसा नहीं है कि आर्मी ने ऐसा कोई ट्रेडिशन चलाया हो। दूसरा, डांस ड्रामा रिटन बाय केशव चंद्र सेन। भाई केशव चंद्र सेन तो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, हमने बात की थी इंडिया में जो सोशल रिफॉर्म हुए उसमें केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या केटी तेलंग पंतलू या महादेव गोविंद रानाडे या एनी बेसेंट, इस टाइप के लोग रहे, तो इन्होंने डांस को लेके कोई बात नहीं की थी, तो बच्चों ये भी आपका ऑप्शन आपका गलत रहेगा। इसके बाद टेक्सटाइल ट्रेडिशन ऑफ ईस्टर्न यूपी, भाई टेक्सटाइल ट्रेडिशन ऑफ ईस्टर्न यूपी ये भी गलत है, ये भी नहीं है, तो बच्चों फोर्थ ऑप्शन हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, इसका मतलब यही राइट रहेगा। अब देखते हैं कैसे राइट रहेगा, म्यूजिकल ट्रेडिशन दैट इन्वोकेट द नेम ऑफ तानसेन द सेलिब्रेटेड म्यूजिशियन ऑफ अकबर कोर्ट। बच्चों तानसेन क्या था, तबला वादक था, हमने बताया तानसेन संगीत के सवर गाता था, और जब मुगल अंपायर को कर रहे थे तो ये बात हमने की, हमने बताया भी कि तानसेन अकबर के दरबार में रहता और वो राग महला, राग कोश ये सब गाता, तो इससे हमारे पास ऑप्शन राइट क्या आता है बच्चों, डी ऑप्शन हमारे पास निकल के राइट आता है। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, हमारा हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन
1878 इन स्पोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज। बच्चों देखो, हमने बात की थी सोशल रिफॉर्म की, और देखो पिछले क्वेश्चन में भी सोशल रिफॉर्म की बात हमने की। तो सोशल रिफॉर्म अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 3 बार सोशल रिफॉर्म हुए। जब एंशियंट हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म होते हैं तो बच्चों हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्या शूद्रा ये लेके, यानी कि कास्ट को लेके बड़ी प्रॉब्लम थी। सेकंड सोशल रिफॉर्म हुए बच्चों, और जब फास्ट हुए तो वहां पे जैन और बौद्ध धर्म नए निकल के आए, भागवत धर्म निकल के आया, और भागवत के साथ साथ कपालिक कालामुख नाथ संप्रदाय या शाक्य संप्रदाय ये सब निकल के आया। और सेकंड रिफॉर्म जब हुए बच्चों तो सेकंड रिफॉर्म में शंकराचार्य हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म को वापिस साउथ से नॉर्थ की ओर लेके आते हैं, क्योंकि नॉर्थ में बच्चों पूरी तरह इस्लामिक कल्चर आ चुका था। अब बच्चों थर्ड सोशल रिफॉर्म, देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। देखो राजमंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878, यानी कि 1857 के बाद हम किसको लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को लेते हैं। तो बच्चों राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन 1878 स्पोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज। बिल्कुल भाई ये सही क्वेश्चन है कि इसको कौन, इसका फाउंडर कौन है। तो क्या इसका फाउंडर विश्वनाथ पंडित है? गलत बच्चों, ये बिल्कुल गलत आंसर है, यानी कि पहला ए ऑप्शन आपके पास गलत रहेगा। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नहीं बच्चों ये भी गलत आंसर है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं थे। इसके बाद पंडिता रामाबाई, नहीं बच्चों ये भी गलत आंसर है। पंडिता रामाबाई ने एजुकेशनल सिस्टम में काम किया, स्कूल खुलवाए बंगाल में, ये सब किया, लेकिन वो इसके फाउंडर नहीं थे। अब बच्चों वीरेशलिंगम पंतलु, इसका राइट आंसर रहेगा आपका डी, कि इसको फाउंड करने वाले कौन थे, वीरेशलिंगम पंतलु इसको फाउंड करने वाले थे। और ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले जब हम सोशल रिफॉर्म पढ़ रहे थे तो करवाया भी था। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो बच्चों द 19th सेंचुरी फैराजी मूवमेंट इन ईस्टर्न बंगाल डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, बच्चों इन्होंने पूछा कि फैराजी मूवमेंट किसकी लीडरशिप में हुआ और ये कहां पे हुआ, ईस्टर्न बंगाल। ईस्टर्न बंगाल मतलब बच्चों देखो अभी जो बंगाल है हमारे पास वो है वेस्टर्न बंगाल, यानी कि 1947 में भारत के दो हिस्से हो गए थे, एक हिस्सा चला गया पाकिस्तान के पास और दूसरा हिस्सा रह गया भारत के पास। तो जो एरिया भारत के पास है उसको हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल, और जो ईस्ट बंगाल है उसको आज के टाइम में बोला जाता है बांग्लादेश। एक्चुअल में वो पहले पाकिस्तान था लेकिन उसका भी पार्टीशन हुआ और वो बच्चों बन गया बांग्लादेश, यानी कि 1971 के बाद उसको नया नेम मिल गया बांग्लादेश, और वहां पे सरकार बनी शेख मुजीबुर रहमान की। अब बच्चों बात आती है फैराजी मूवमेंट की, ये मूवमेंट कहाँ पे और कब हुआ 19th सेंचुरी में। तो बच्चों क्या टीटू रॉय इस मूवमेंट के फाउंडर थे? बच्चों ये गलत आंसर है, टीटू रॉय इस मूवमेंट के फाउंडर नहीं थे। उसके बाद हाजी शरीतुल्ला, बच्चों मैंने डायरेक्ट आपको करवाया था इस मूवमेंट में, इस मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले कौन थे, हाजी शरीतुल्ला इस मूवमेंट के फाउंडर रहेंगे, जिन्होंने इस मूवमेंट को अपनी लीडरशिप में स्टार्ट करवाया। और इसके बाद बच्चों आगे जब हम चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन हमें मिल रहा है शाह सैयद अहमद, तो बच्चों शाह सैयद अहमद नहीं थे। इसके बाद दादू मियां, ये भी बच्चों इस मूवमेंट में नहीं थे। तो लीडरशिप किसकी रही बच्चों, हाजी शरीतुल्ला की लीडरशिप रही, तो आपका राइट आंसर रहेगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों हम। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन जो कि हम 1928 से रिलेटेड देख रहे हैं। द इंडियन स्टेट कमेटी वाज फॉर्मेड इन 1928 अंडर किसके अंडर बनाई गई, इंडिया स्टेट कमेटी किसके अंडर बनाई गई। अब बच्चों आप बताओगे कि इंडियन स्टेट कमेटी किसके अंडर बनाई गई, ये बच्चों उस टाइम की बात है जब भारत में साइमन कमीशन आया। देखो साइमन कमीशन भारत में कब आया, 1927 में आया, और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्टों को लागू करने के लिए यानी कि जो सिफारिश की उसके ऊपर एक कमेटी बनी जिसको द इंडियन स्टेट कमेटी बोला गया। और इंडियन स्टेट कमेटी थी क्या बच्चों, और उसमें उसको किसके अंडर बनाया गया, तो क्या द राजा ऑफ जूनागढ़, भाई जूनागढ़ के राजा के अकॉर्डिंग। बिल्कुल गलत बच्चों, जूनागढ़ के राजा के अकॉर्डिंग नहीं बनाई गई थी।
एन कैपलन ये भी नहीं थे, सर हायर कोर्ट बटलर बच्चों ये थे, यानी कि आपका सी आंसर राइट रहेगा, मोतीलाल नेहरू। दिस इज द रोंग आंसर, मोतीलाल नेहरू के अंडर ये नहीं अपनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू के अंडर आगे चल के बच्चों जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के अंडर नेहरू रिपोर्ट दी गई, तो सर हायर कोर्ट बटलर के अकॉर्डिंग ये कमेटी बनाई गई। अगले क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, Who among the following was associated with the Mughal court as a physician to Prince Dara Shikoh? बच्चों Dara Shikoh का physician, देखो physician का मतलब होता है भाई सीधी सी बात, उनका डॉक्टर वगैरह या फिर उनके लिए काम करने वाला, यानी कि जो उनकी देखरेख करता था जब बीमार होते थे, और उनका physician कौन था Dara Shikoh का, तो इससे related question आता है। अब ये क्वेश्चन है कब का, तो बच्चों ये एनडीए सेकंड का है 2015 का। क्या हकीम अजमल खान अफजल खान थे, तो बच्चों इसका आंसर रहेगा गलत, यानी कि ए आंसर आपका बिल्कुल गलत है, हकीम अफजल खान नहीं थे। इबन बतूता, बच्चों इबन बतूता नहीं था, इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया, और इबन बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, तो इबन बतूता यहां पर गलत आंसर रहेगा। फिर आ जाता सी फ्रेंकोइस बर्नियर, बच्चों बिल्कुल राइट आंसर आपका फ्रेंकोइस बर्नियर रहा। इसके बाद दुआर्ट बारबोसा, दुआर्ट बारबोसा भी बच्चों इसका गलत आंसर रहेगा, तो सी आंसर इज द राइट आंसर। चलो बच्चों आज हमारे 10 क्वेश्चन हुए, और 10 क्वेश्चन से आप कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड करके आगे और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों कल फिर इसी टाइम दोबारा से हम मिलेंगे 9 से 10 क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और बच्चों आप लोग इस वॉरियर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा सके, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जीएटी, और जीएटी के साथ साथ बच्चों मैथ और इंग्लिश के क्वेश्चन आपको अलग से करवाए जाएंगे, ताकि आपका एनडीए जो हम बात कर रहे हैं एनडीए 2023 की, वो आपका क्रैक हो सके।